देखिए, ये अभियान बहुत अच्छा चल रहा है और पिछले 25 तारीख और उसके बाद इस अभियान ने और गति पकड़ी है। लगभग 2 लाख सदस्य प्रतिदिन बन रहे हैं और इसको हम समझते हैं अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है, इसीलिए हम अलग अलग जिलों में सब लोग जा रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में प्रभारी रहने के दौरान बीजेपी ने पहली बार जीत प्राप्त की उड़ीसा में। अभी विरोधी बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा और उप निर्वाचन की बहुत आशंका है, क्योंकि बहुत सारे विधायकों के खिलाफ अभी जो मामले आए वो सब जुड़ी से कोर्ट में। देखिए, विपक्ष का काम ही ये है और वो मुंगेरी लाल के सपने हैं, नहीं वो देख रहे हैं ये स्थायी सरकार है, परमानेंट चलेगी, 5 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है। विपक्ष खत्म हो चुका है, विपक्ष में कोई दम नहीं है। इस तरह का झूठा अनर्गल प्रचार करके अपने लोगों को बने रहे पार्टी में, पार्टी ना टूटे, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। पंचायत का इलेक्शन है और संगठन में कैसे देखेंगे, संगठन बढ़ाने के लिए? देखिए, संगठन बढ़ाने के लिए चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और ये संगठन का ही है कि जो नीचे से हर बूथ पर सदस्यता हो रही है, इसके बाद चुनाव होता है, मंडल का चुनाव होता है, फिर हमारा जिले का चुनाव होता है, प्रदेश का होता है, राष्ट्रीय होता है। ये वो पार्टी है जिसमें साधारण कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। जो योजनाएं पिछले सरकार ने की थी, बहुत सारे योजनाएं थी पूरे भारतवर्ष में, शायद उड़ीसा बहुत आगे था, तो उसी राह पर बीजेपी चलेगा? किसी भी रास्ते में उड़ीसा आगे नहीं था उनके टाइम में। 90% पैसा हर घर नल से जल का नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा बताएं? वो आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरे देश में था, यहाँ क्यों लागू नहीं हुआ? अब 70 साल से ऊपर वाली हर व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है और आयुष्मान योजना भी लागू की जा रही है। वो बताएं 3100 रुपये धान का रेट उन्होंने दिया था क्या? 800 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हम दे रहे हैं। उन्होंने रत्न भंडार का जो खोला था, चाबी गायब कर रखी थी, अब कैसे मिल गई? वो भी खुल गया, चार द्वार भी खुल गए और मुद्रा योजना भी लागू हो गई। तो कहते थे लेकिन ऐसा नहीं था, किसान के मुंह में हंसी देखने को मिलेगा इस 5 साल में 100%।